हम अगला सवाल लेंगे, लेकिन हमारे पास थोड़ा वक्त कम बचा हुआ है, लेकिन एक मैसेज बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसारी मोहम्मद आसिफ है, मैं बम्बई से हूँ। सर मुझे एक सवाल करना था। मैं अपने गांव से जाता था, रास्ते में एक घर पड़ता था, वहाँ से आवाज़ें आती थी और बहुत सारी आवाज़ें आती थी। लोगों का कहना था वहाँ भूत है, आत्माएं हैं, क्या ये सच है? जी आमतौर पर देखा जाता है जो पुराने मकानात होते हैं वहाँ पर लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि इसमें शायद भूत है, जिन है, इसकी क्या हकीकत है? हॉन्टेड हाउस का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वैसे तो आज की साइंस इस बात का इनकार नहीं करती, जिसको कहते हैं फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कुछ ऐसे हैं जिसको वो लोग कहते हैं कि नजर नहीं आने वाले, इनविजिबल, IFO, इनविजिबल फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव उन्होंने नाम दे रखा है। यानी कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे घर हैं जहां से आवाजें आती है, कुछ हो रहा है लेकिन पता नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि ये इनविजिबल फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव नाम देकर उन्होंने रखा है, या उसको एलियन कह के छोड़ देते हैं। तो ये इम्कान है कि किसी घर में जहां पर अल्लाह का जिक्र नहीं होता, क्योंकि जब घर बंद पड़ा होता है, अंधेरा होता है, मिन शर ग़ासिक़िन इज़ा वक़ब, और मैं पनाह मांगता हूँ उस अंधेरे से जबकि वो छाता है, जहाँ रोशनी नहीं होती, जहाँ कंटिन्यूसली अंधेरा है, जहाँ पर बरसों से लॉक पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है, अल्लाह का चूंकि जिक्र नहीं होता, वहाँ पर चूंकि जो है बहुत दिनों से वहाँ पर रोशनी नहीं है, तो ऐसे वहाँ पर जिन आकर बसेरा कर लेते हैं। बाद वक्त बसेरा छोटा मोटा होता है, अल्लाह का जिक्र करने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बस शरीर किस्म के होते हैं, वो आकर वहां पर फंस जाते हैं। जब उनको निकालने की कोशिश करते हैं तो उनको तसव्वुर आता है कि अब को यहाँ जो अच्छा रहने का मौका मिल रहा था, अब हमको पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। नतीजे में वो लोग आवाजें निकालते हैं इंसान को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जमीन पर इंसान का ज्यादा हक है या जिन का, हमें सूरह बकरा नंबर 2 के आयत नंबर 30 पढ़ने से पता चलता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, के जनरेशन वाली जो इंसानी मखलूक है इसको अल्लाह सुब्हान तआला कहे जमीन में हमने अब इनको बना दिया। इससे पहले जिनों को अल्लाह ने अख्तियार दिया था कि वहां पर रहे, लेकिन अब इसके ज्यादा मालिक कौन है? इंसान है। तो अशरफुल मखलूकात को रहने का ज्यादा हक है। अगर हम अल्लाह पर भरोसा करते हुए, हमारे तवक्कुल को मजबूत करते हुए अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे तो इनको भी यहाँ से साफ किया जा सकता है, इस हद तक यकीन से आप कह सकते हैं। इल्ला है कि एक आदमी अगर प्रिकॉशनरी लेते हुए अपने आप को दूर रखना चाहता है तो अलग मसला है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका ये होना चाहिए कि जमीन पर हमारा असल हक ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी उतना इंसान उन पर काबू पा सकता है, ईमान में मजबूती हो सकती है। हम इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है शेख साहब। हमें यकीन है कि हमारे नाज़रीन को इन जवाबात से बहुत फ़ायदा मिला होगा। हम आगे इस पर चर्चा करते, इस पर गुफ्तगू करते, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ ज़रूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।